अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च 2021 से 3 अप्रैल 2021 की इस्लामियात इख्तियारी की डायरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 29 मार्च 2021 की डायरी। रिसालत का मफहूम आदा। रिसालत मफहूम, मनसब और उसकी अजमत। रिसालत के लुगवी और इस्तलाही मायनी। रिसालत ग्रामर के लिहाज से मजदर है जिसका लुगवी मायनी भेजना और ख़त किताबत करना है। इस्तलाहे शरीयत में अल्लाह ताला का किसी बरगुजीदा बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। रिसालत, अब हम तफसील से इसको पढ़ेंगे। तौहीद के बाद कुरान हकीम ने जिस अकीदे की इस्लाह को ज़रूरी समझा है वो रिसालत है। यहाँ से लेकर अपनी नज़ीर नहीं रखता, यहाँ तक करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, रिसालत और नबूवत का रुतबा सही मेहनत से हासिल नहीं होता बल्कि ये क्या है? अतियाई इलाही है। ये टॉपिक भी हम मुकम्मल करेंगे, उसका भी इनकार कर दिया गया यहाँ तक। 30 मार्च 2021 की डायरी। डायरी पे आपके टेस्ट लिखा हुआ है लेकिन टेस्ट की तैयारी आप दिए गए शेड्यूल के मुताबिक करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 31 मार्च 2021 की डायरी। रिसालत का मफहूम बकिया मुकम्मल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और पैगंबर अपने जिन औसाफ से पहचाना जाता है वही रिसालत और नबूवत के औसाफ, खसूसियात, लवाजिम हैं जो मुख्तसरन ये हैं। ये पॉइंट्स आप मुकम्मल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल 2021 की डायरी। रिसालत की ज़रूरत और उसकी अहमियत आधा। रिसालत की ज़रूरत और इसकी अहमियत, रसूल अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम का काम, पॉइंट नंबर एक, ये हम करेंगे यहाँ से। एक नबी और मुसलाह में क्या फ़र्क है यहाँ तक। नंबर दो, मुसलाह या रिफार्मर, ये पॉइंट हम करेंगे। मुसलाह या रिफार्मर यहाँ से। लकद अरसलना रसूलाना बिल बय्यिनाती व अनज़लना माअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियकूमुन नासु बिल किस्त। हमने रसूलों को खुली हदायत देकर भेजा और उनके साथ किताब उतारी और अदल की तराजू, ताकि लोग अदल व इंसाफ पर कायम रहें और अमनो इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करें। यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल 2021 की डायरी। रिसालत की ज़रूरत और उसकी अहमियत बकिया मुकम्मल। आज हम इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। नूह इंसानी के बाकी तमाम कारकुन और खादिम अपना फ़र्ज जिस मकसद और इरादे से अंजाम देते हैं यहाँ से। पैगंबरों की सीरत और उनकी दावत की तारीख खुद इस बात पर गवाह है। नबी अलैहिस्सलाम और रसूल अलैहिस्सलाम का फ़र्ज अवलीन हदायत और रहनुमाई है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुरान अजीज़ ने हादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वालिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया। इस ज़ाबता हयात को भी जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अता किया गया, हदायत के लफ्ज़ से तबीर किया गया है, जैसा कि कुरान के आगाज़ में ही फरमा दिया गया, ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, ला रईबा, नहीं कोई शक, फीही, इसमें, हुदन, हदायत है, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। अब आपने सबक को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।